क्या आप खुद को मनफियत के चक्कर में फंसा हुआ महसूस करते हैं, जहां ऐसे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, या ये कि आप बुरी आदतों में बुरी तरह फंस गए हैं जो आप कभी छोड़ नहीं सकते? तो क्या हो अगर कहा जाए कि आपकी ज़िंदगी का रुख मोड़ने, नए मौके तलाश करने और गैर मुतवक्के बरकात हासिल करने का एक आसान और नहायत ताकतवर तरीका है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है? इस पर आप क्या कहेंगे? ज़्यादा मत सोचिए, चलिए मैं ही बता देता हूँ। आपकी ज़िंदगी को बदलने का राज दो सादा लेकिन इंतहाई ताकतवर अमाल में मुजमर है। वो दो अमाल सच्ची तोबा और इस्तिग़फ़ार हैं। याद रहे, ये सिर्फ रसूमात या महज अल्फाज नहीं हैं, ये आपकी हकीकी सलाहियतों को खोलने, आपकी तकदीर को नई शक्ल देने और अल्लाह सुबहानहू व तआला की लामहदूद रहमत के करीब जाने की कुंजी हैं। इसमें अल्लाह सुबहानहू व तआला ने बड़ी हैरतअंगेज़ बरकात रखी हैं जो आपकी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीलियाँ ला सकती हैं कि आप गुमान नहीं कर सकते। ये बहुत अहम और बड़ी मालूमती वीडियो है, इसका एक एक सेकेंड अनमोल है, इसलिए आपसे इल्तिमास है कि वीडियो आखिर तक पूरी देखें और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल पर दोबारा खुश आमदीद, जहाँ हम इस्लाम की खूबसूरत तालीमात आम करते हैं। आज हम इस्लाम में बहुत अहमियत रखने वाले एक बहुत ही मुबारक अमल पर बात कर रहे हैं, जो है इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार सिर्फ माजी की गलतियों की माफ़ी मांगने का नाम नहीं है, यह मनफियत की जंजीरों से आज़ाद होने के बारे में है जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोके हुए हैं। ये बुरी आदतों की जंजीरों को तोड़ने और नए सिरे से शुरुआत फराहम करने का एक तरीका है। इसे अच्छे से समझने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी माजी की गलतियों को मिटाने का तसव्वुर करें, न सिर्फ अल्लाह की नज़र में बल्कि अपनी ज़िंदगी की कहानी में भी। इस्तिग़फ़ार पिछले गुनाहों को मिटाता है और आपको ज़िंदगी की एक नई शुरुआत, एक नया बाब फराहम करता है। इस्तिग़फ़ार की ताकत सिर्फ यहीं नहीं रुकती, जब आप इसे अपनी ज़िंदगी का बाकायदा हिस्सा बनाते हैं तो ये ऐसे ऐसे नए मौके खोल देता है जो आपने कभी मुमकिन होने का तसव्वुर भी नहीं किया था। वो दरवाज़े जो कभी बंद थे, उनका खुलना नामुमकिन नज़र आता था, खुलना शुरू हो जाते हैं। ज़िंदगी में बरकत नहीं थी, बरकतें बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं और आप अपने आप को एक ऐसे रास्ते पर पाते हैं जिसके बारे में आपने कभी गुमान भी नहीं किया था। और खुशहाली के लिए आपकी जद्दोजहद वो कदम कदम में बदल जाती है, आपको दरपेश हर चैलेंज तरक्की के मौके में बदल जाता है और आपको आगे बढ़ने और तरक्की की मनाजिल हासिल करने में मदद करता है। आपको दुनिया व आखिरत की कामयाबी और ज़िंदगी के हकीकी मकसद के करीब लाता है। सबसे बढ़कर सच्ची तौबा और इस्तिग़फ़ार अल्लाह सुबहानहू व तआला से आपका टूटा हुआ ताल्लुक़ मजबूत करता है। ये आपको उसकी रहमत, उसकी मोहब्बत और उसकी हिदायत के करीब लाते हैं। अल्लाह सुबहानहू व तआला के साथ इस क़ुर्बत में आपको एक ऐसा सुकून मिलता है जो दुनिया कभी पेश नहीं कर सकती, और ऐसी ताकत मिलती है जो आपको किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने में मदद देती है। तो प्यारे दोस्तों, क्या आप अपनी ज़िंदगी को बदलने और एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी जद्दोजहद को कामयाबी में और अपनी माजी की गलतियों को अच्छाइयों में और ज़िंदगी के तारीख दिनों को रोशन और मकसद से भरे मुस्तकबिल में बदलने के लिए तैयार हैं? अलमुख्तसर, क्या आप अपनी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली लाने, अपने चैलेंजों को कामयाबियों में बदलने और अपनी माजी की गलतियों से सबक सीख कर कामयाब और अल्लाह को राज़ी करने वाली ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं? तो आज से बल्कि अभी और इसी वक्त से हर किस्म के गुनाहों से सच्ची तौबा करके इस्तिग़फ़ार की ज़िंदगी को बदलने वाली ताकत को अपना कर, यानी इखलास के साथ सच्चे दिल से अपने गुनाहों पर नदामत महसूस करते हुए और आइंदा गुनाहों में मुलविस न होने का पुख्ता आज़म करते हुए बकसरत इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर दें और अल्लाह सुबहानहू व तआला की लामहदूद रहमतों और बरकतों के हकदार बन जाएँ। प्यारे दोस्तों, देर मत कीजिए, आज ही अपना सफ़र शुरू कीजिए। इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, अपना वक्त इसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने में खर्च कीजिए और अल्लाह सुबहानहू व तआला के महबूब बन जाएं। उम्मीद है ये वीडियो आपको मालूमाती लगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हमारी आपसे इल्तिमास है कि इसे अपने प्यारों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसकी बरकत से मुस्तफ़ीद हों और हम सब के लिए बेहतरीन सदका जारिया बन जाए। अगर आपको ये वीडियो कारामद लगी तो बराहे मेहरबानी दिल खोल कर लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए और मज़ीद इस्लामी मवाद के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। अल्लाह सुबहानहू व तआला हम सबको बकसरत इस्तिग़फ़ार करने और अपनी रज़ा वाली ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए।